अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खान आगा द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस राकापोशी और द हैंडसम खान आगा। आज व्लॉग का आपको दूसरा दिन स्टार्ट होने वाला है। आपको दिखाएंगे आज हम एक वैली में जा रहे हैं। वैली में खूबसूरत दरख्त होंगे, शानदार मौसम होगा, उस सबको एंजॉय करने के लिए हम चल रहे हैं। तो मेरे साथ रहे कर सकते हैं ना, आप जा सकते हैं अलताबाद। कल का टाइम आप तो गुजरात पे लगे सोच रहे हैं, कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे वही जाके हम पहले कोशिश करें गुजरात की। नहीं हुआ तो अलताबाद भी रस्ते में है, बाकी सब रस्ते। कल हम 2 बजे तक निकल जाए। हाँ, 2 बजे ऊपर नहीं करना बस। चलो ओके हो जाएंगे। ये लोग बस का वेट कर रहे हैं। जन्नत को तो इतना शौक चढ़ा है, दो दिन हो गए। इतना शौक चढ़ा है, ऊपर के नीचे आ गए। किसको शौक था करीमाबाद जाने का? जन्नत तुम थी। हम तो ध्यान से जान से ज्यादा मुझे गाड़ी अजीज है। तो ये है हमारा रास्ता जो हमने आज चूज किया है। ये है जी ग्लेशियर, इसको देखने के लिए हम आए हैं। साहब जाना चाहेंगे आप नीचे? फिलहाल मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। चलो चलते हैं। ये है एडवेंचर जो हम करने जा रहे हैं, वो वहाँ हम जा रहे हैं नीचे ग्लेशियर पे। और यहाँ पत्थर हैं काफी, कहीं से भी पांव स्लिप हो सकता है। इट्स नॉट इजी। ये लोग नीचे चले गए मेरे से पहले, मुझे भाग के जाना पड़ रहा है। मैं आ गया दोस्तों। ओ दोस्तों क्या कर रहे हो तुम दोस्तों? मम्मी हुई गया चला ले लाओ लगे अभी नाम इथे इधर ही एडा तेरी, मैं तेरे घर की कहूंगा। ओए ये ओमी को ना कुछ हो जाए, ओमी को ना कुछ हो जाए, इसके घर वालों ने 10 लाख रुपए मांगना है इसका। एदा 10 ओ देख ले मामू, यकीन करे हम इसके साथ 600 टूर कर चुके हैं। आज तक किस बंदे को घर से फोन नहीं आया कि ओमी तू घर नहीं आया। इसको सिर्फ तब फोन आता जब बेचारा घर से गाड़ी ले आता है। ओमी बोला क्या कहते हैं, इस्लामाबाद तो वापस आऊंगा, हाँ गाड़ी चाहिए थी दे दी बस, ये नहीं कहते तू आ भाई। ओमी वाकई ओमी वो तू सतेला तो नहीं है अपने माँ बाप का? वो हमारा रास्ता है, वहां हमने जाना है। और शहर डर रही है, हालांकि इतनी डरने वाली बात नहीं है, तो हम जा रहे हैं। मामू शिरान ने एक बात की थी, क्या चले गए ना आगे लीशी के साथ? लीशी तो पीछे ऊपर है सैफी वगैरह साथ। हुँ. ये कहती कि हमें अकेला छोड़ के अपनी बेटियों को, कहता मैं हूँ। वो लिशपा आ रही है। हाँ जी भाई वो लिशी आ रही है। अबे तुझे बकार भी लिशी लग रही है। घर भी भाग के आ जाए, भाग के मारखोर। वो देखो मारखोर मारखोर बकरी है। अच्छा इधर है मामू, ये जा रहे ट्रैक में, वो इधर से जाना है।
छिपकलियां खा जाएंगी। हाँ खा जाएंगी उधर। यार इतना डरावना नहीं। शहर वहाँ बैठना जहाँ से हमें नजर आ रही हो। शहर ना आओ, ना आओ, ये शूज आने वाले नहीं है। वहाँ बैठना जहाँ हमें नजर आ रही हो। ओके, हम उतर के आए हैं। बहुत खतरनाक जगह है और जन्नत सब फंस चुकी है। बाबा जी ने ना हमें यहीं से हमने फतह कर लिया, पहाड़ फतह कर लिया। मैंने सोचा भी था कि मैं जोगर्स पहना हूँ, लॉन्ग शूज हो तो वास्तव फार इनका ना। मैं भी आज वो मैंने स्नीकर्स पहने थे, मैं गलती से ये पहन आया हूँ और उनका क्या हाल हो गया। जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद अली भाई, चले। हाँ जी विकार भाई, मैं अभी पहुंच ही गया हूँ, वो नहीं आना चाह रहे। ये देखें ये बर्फ है, ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर है लेकिन ये बर्फ है। ये सारे बड़े बड़े जो भी हैं ये ग्लेशियर है। और वो खूबसूरत सीन, वो कौन सा पहाड़ सामने? केपर, केपल पीक। केपल पीक ये काफी हाइट पे है, 5500। जन्नत आपने अपनी सारी पैंट खराब कर ली है, पता है मामू ये तो होना था। आपकी काम पे टांग रही है, मेरी काम पे टांग रही है। और मेरा अच्छा रोज़ ऐसे गुजर गया। हाँ टाइम निकल जाएगा तारी तक, शायद ही ऐसी जगह पे किसी ने नमाज पढ़ी होगी। आपके ख्याल में इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए? ओनली 200। इसीलिए तो मुझे हंसा पसंद है, ये लोग ओवर चार्जिंग नहीं करते है ना। आप लोग ओवर चार्जिंग नहीं करते इसलिए मुझे अच्छा लगता है हंसा। कहीं और जाए ना टूरिस्ट प्लेस पे, ये वो तो और होता है ना, पीछे क्या होती है पास है। हाँ वहाँ पे ऐसे ही होता है, 300 रुपये का। जी जी, दो रोज के वो 900 रुपये का। और जुने कॉम्बो का जा नहीं हो जो इसने स्विट्जरलैंड में जो फायरिंग हुई थी, मस्जिद पे ऊपर अटैक की, मस्जिद एक दिन इधर बैठा हुआ था फिर एक दिन मीना पिन में बैठा हुआ था। अच्छा, फिर इधर से जाके दो 3-4 महीने बाद उसने फिर वहाँ पे फिर जाके ये काम किया। सही सही सही, ये यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ रेस्टोरेंट ओनर हैं, होटल ओनर हैं। ये बता रहे हैं कि जो स्विट्जरलैंड में जो वाक्य हुआ था वहाँ जो करने वाला था वो यहाँ 2-3 बार देखा गया है ना इस एरिया में। ये ख़तरनाक रास्ता है और आपको फोन छोड़ के ना चाहिए, और लेकिन मज़े जान आपने ब्लॉग पे लगा दी है। क्या बोला आपने? आपने हमारी जान अपने ब्लॉग पे लगा दी, इतनी सस्ती है हमारी जान। भाई लोगों को एंटरटेनमेंट भी तो देनी है ना, नीचे ही ले जाएं बड़ी एंटरटेनमेंट। डायरेक्ट एंटरटेनमेंट। देख लिश्मा कैसा दियो कामत दरख्त है, पहाड़ है ना। दियो कामत क्या होता है? यानी कि बहुत ही लंबा, बहुत ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा है सच में। हम लोग इफ्तार के लिए ले रहे हैं खजूर और जूसेस। कितने बने? मम्मी लग रहे हैं। इफ्तार का वक्त शुरू हुआ चाहता है, कैसे हालत है आपकी? ऐसी सूरज जा रहा है बस एंड पे है, और हम काफी हाइक करके ऊपर आए हैं। किस लिए? इफ्तार के लिए। मम्मी क्या हुआ? मम्मी तेरी तुम्हें उम्र तरले जैसी शक्ल क्यों बनाता है? कहाँ जा रहे हैं?
कर दो मुझे तेरा नाक आ रहा है सबसे पहले क्यों कौन कर रहा है चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्या खाया? दाल चावल और चिकन बीफ आप खा गए सारा फायदा। मुझे तो एक भी नहीं मिला, मैं वहीं खाया था। मुझे दो मिले, रस्ते में शहर ने उठा ली। मैं तो वहीं खाया था। ले आते मामू, फिर ले लेंगे कल। इधर कल मुझे खिला दें आप बीफ। शहर सो गई मेरे कमरे में। ओना पेट भर गया? नेवर ओना का इपाई, इम्पॉसिबल ओना का इपाई। ये तो दो रोटियां खा के फिर मैकडोनल्ड का मील खा लेती है। कहती है मामू अब क्या खाने बताएं। हाँ ऑनलाइन होगा ये सवाल, ऑनलाइन दोबारा जन्नत दोबारा। कितनी दफा शहर जाके पाउंड बार मालशिया अगर शीशे के जाओ 100 रुपए कमा ले। 21 इसने 7 दफा दबाए हैं, बता चुकी है मुझे। वाकई पाँव केले में दबा देते तो मैं आपके सामने नखरा सकता। उसका मुंह देखे मामू, नजर नहीं आ रहा आपको? पाँव दबाना बुरी बात है, माँ के दबाना ठीक है। माँ के दबा दूंगा कभी, माँ ना दबावे तो दबा। ना ऐसे नहीं कहते, कैसे कहते हैं?